कौन होता है डिप्लोमेट, क्या होते हैं उसके राइट्स, किस चीज़ से उसको इम्यूनिटी मिलती है, क्या उसकी प्रिविलेजेस होती हैं और क्या एक्सटेंट है उन प्रिविलेजेस का, ये सब आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ये कंट्री ए और ये है कंट्री बी, इन दोनों को आपस में बना के रखनी है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कॉर्डियल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस बना के रखने होते हैं, क्योंकि देश है भाई, देश चलाना है तो सबसे बना के रखनी पड़ती है। तो कंट्री बी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है कंट्री ए में जो इनको रिप्रेजेंट करता है, और कंट्री ए कंट्री बी में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, और ऐसे सब कंट्रीज आपस में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज के रखती हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव के क्या राइट्स, क्या लाइबिलिटीज़, क्या प्रिविलेजेस, क्या इम्यूनिटीज़ वगैरह होंगी, वो लॉ ये डील करता है जो आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनके राइट्स डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ये काम करते हैं, ये एक तो पहली बात, ये दूसरी कंट्री का, जैसा कि आप दोनों को पता है, ये जो दोनों कंट्रीज़ मैंने इधर दे रखी हैं, ये दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉर्डियल तो नहीं रहे हैं पास्ट में, और फ्यूचर में भी मुझे चांस नहीं लग रहा कि रहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ आपस में लड़ती बढ़ती रहती हैं बहुत टाइम तक, ठीक है। तो अब इन दोनों कंट्रीज़ में जो कंट्री ए का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है और ये जो इनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है, इनको जो काम करना है, काम करने में दिक्कतें बहुत आ सकती है, पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से इनको अफेक्ट कर सकता है, तो इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना काम करने कौन जाएगा यार। प्लस ये जो काम करते हैं, इस काम में भी अड़ंगे डालेगी दूसरी कंट्री, ऑब्वियसली डालेगी, क्योंकि कोई दूध का दूल्हा नहीं होता, ठीक है। अब ये कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दूसरी कंट्री में देना चाह रहा होगा, तो ये कंट्री थोड़ी ना चाहेगी कि दूसरी कंट्री में जाए, ना ये कंट्री चाहेगी कि दूसरी कंट्री में इन्फो जाए। तो इनके काम करने में भी एफिशिएंसी बनी रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये लॉ है। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये वाला और जितने भी हैं वर्ल्ड में, ये किस किस टाइप के होते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो अम्बेसडर्स, काउंसिल्स, एनवॉयज और मिनिस्टर्स, ये चार चीज़ों में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। हर कंट्री में एक एम्बेसी होती है दूसरी कंट्री की, ठीक है। इंडियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी एम्बेसी है इंडिया में, यूएसए में दोनों की एम्बेसी है, सारी कंट्रीज, मेजर मेजर कंट्रीज में यूएन की दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं। तो उन एम्बेसीज में एम्बेसडर अपॉइंट होता है जो वहाँ हेड होता है, हेड रिप्रेजेंटेटिव। काउंसिल्स होते हैं जो दूसरी उस एम्बेसी में काम करते हैं। तो ये दोनों जो कैटेगरी हैं, ये दोनों फुल टाइम उसी कंट्री में रहती हैं। एनवॉयज होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम के लिए मिशन बोला जाता है, जिसको मिशन मतलब ऐसे धुड़ 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 गोली वाला मिशन नहीं, मतलब काम, किसी काम के लिए जाते हैं, या जो मिनिस्टर्स दूसरी कंट्री में जाते हैं विजिट करने, वो एक दूसरी कैटेगरी है। ये परमानेंट टाइम के लिए नहीं जाते, ये सिर्फ अपने काम के लिए जाते हैं। तो ये चार तरह के लोग हैं जो जाते हैं दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव बन के, और हेड ऑफ स्टेट तो जाता ही है। 1963 वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस भी है, जो एम्बेसडर काउंसिल्स को ही, जो मतलब काउंसिलर फंक्शंस होते हैं उसी के बारे में डील करता है। वो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट वाला पढ़ रहे हैं जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे, तो इनके फंक्शन सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिंग, प्रोटेक्टिंग, नेगोशिएटिंग, रिपोर्टिंग, प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस और काउंसिलर फंक्शंस। अब काउंसिलर फंक्शंस क्या होंगे, काउंसिलर फंक्शन होंगे जैसे मान लो इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है और यूएसए का कोई सिटीजन यहाँ घूमने उमने आया, उसका कुछ इमरजेंसी हो गई, उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है स्पेसिफिक। तो काउंसिलर फंक्शन में काफ़ी वाइड है, काउंसिल के सारे काम आ जाते हैं जो काउंसिल करती है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, वीज़ा एप्लीकेशन करना, इमरजेंसी में काम आना वगैरह वगैरह। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिपोर्टिंग मतलब जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिपोर्ट करेगा अपनी कंट्री में, और ये रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंट्री में रिपोर्ट करेगा इन्फो सारी। नेगोशिएट मतलब कोई कभी कुछ दिक्कत आ जाए तो उस कंट्री के बिहाफ पे नेगोशिएट करना, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो ना। अब जैसे अब ये कंट्री इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये इंडिया के बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा इस कंट्री में। जो सेंडिंग स्टेट है उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग और रिप्रेजेंट तो वो करता ही है। तो जो इसका मेन लॉ है ना, जो मेन कन्वेंशन है, वो है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसी कन्वेंशन के आर्टिकल 3 में फंक्शंस की बात की है, जो अपन ने फंक्शन पढ़े ये सारे आर्टिकल 3 के अंदर मेंशनड है, और इसी के आर्टिकल 14 के अंडर ये क्लासिफिकेशन दिया है जो हमने पढ़ा है। तो ये दो आर्टिकल्स हमने कर लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम बता दूंगा, टोटल 53 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो सारे पढ़ने को अपने ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नंबर अपन याद करेंगे। अब कन्वेंशन डील करने से पहले अपने को एक बार देख लेना चाहिए थ्योरीज ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये थ्योरीज का क्या पर्पस है, ये थ्योरीज बेसिस देती हैं। देखो लॉ होता है तो लॉ के पीछे ज्यूरिसप्रूडेंस होती है, ठीक है, कि लॉ का पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो सारी चीज़ें। तो इस वाले लॉ के, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक लॉ है, ठीक है, सर मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो आप दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को, अपने सिटीजन से बेटर ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, तो कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। पहली थ्योरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी, जिसको फिक्शनल थ्योरी भी बोला जाता है। अब ये थ्योरी समझने से पहले आप एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझो।
ये जूलियन असांज हैं, ये फाउंडर हैं विकीलीक्स के, ये जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने यूएसए के डॉक्यूमेंट्स मतलब यूएसए के रॉन्ग डूइंग्स वगैरह और भी बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ की रॉन्ग डूइंग्स वगैरह विकीलीक्स में लीक कर दी। 50,000+ डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज़ कर दिए, तो यूएसए इनके पीछे आएगा ऑब्वियसली इनको प्रोसिक्यूट करने की, क्योंकि तुमने भाई एक स्टेट के अगेंस्ट इतना बड़ा खुलासा कर दिया, तो करेगा, कोई भी देश प्रोसिक्यूट करेगा, गुस्सा होएगा आपसे। तो ये उस टाइम पे यूके में थे, तो ये यूके में जो यूके में एम्बेसी थी इक्वेडोर की, ठीक है, लंदन में, यूनाइटेड किंगडम है ये, लेकिन जो एम्बेसी है वो इक्वेडोर की है। और मैंने आपको बताया था कि जो एम्बेसी का एरिया होता है उसको उसी कंट्री का एरिया माना जाता है जो कंट्री की वो एम्बेसी है। तो ये इक्वेडोर की एम्बेसी है, तो ये जो एम्बेसी के अंदर का एरिया है ये इक्वेडोर माना जाएगा, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं माना जाएगा। तो जो ये एम्बेसी थी इसमें ये भग गए और इन्होंने असाइलम ले लिया। तो यूएसए और यूके दोनों ही अथॉरिटीज़ अगर इनके पीछे आएंगी तो उनको रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है अंदर जाने की, इक्वेडोर का एरिया है ना वो। तो होंगे आप अथॉरिटी यूके में होंगे और आपको यूएस का सपोर्ट होगा या वाइस वर्सा, लेकिन आप इसमें नहीं जा सकते, तो इनको जाने से मना कर दिया गया। तो ये वाली चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी सेम ही लॉजिक है। जैसे कि वो जो एम्बेसी के अंदर का एरिया होता है उसको उसी देश का एरिया माना जाता है, वैसे ही उस पर्सन को हमेशा माना जाएगा कि वो कहीं भी खड़ा हो वो अपने देश में ही खड़ा है। मतलब वो एक्चुअली तो कंट्री, रिसीविंग कंट्री के सॉइल पर खड़ा है, लेकिन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस ऑफ लॉ माना जाएगा कि वो अपने होम कंट्री के सॉइल पर ही खड़ा है। मतलब फिक्शन, जैसे आपने कॉर्पोरेट लॉ में भी फिक्शन थ्योरी थी, ठीक है, कंपनी लॉ में फिक्शन थ्योरी होती है ना, कि एक कंपनी को फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस एक पर्सन माना जाता है, वो सच्ची में पर्सन थोड़ी ना होता है, लेकिन लॉ के लिए उसको एक फिक्शनल पर्सन माना जाता है। तो इधर भी फिक्शनली माना जाएगा कि वो अपने सॉइल पे है, समझ गए। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल थ्योरी ये बोलती है कि वो अपने ही देश में काम कर रहा है बेसिकली, क्योंकि वो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया ना और एम्बेसी में काम करता है, तो उसकी बाकी एम्बेसी से भी, अब निकलेगा तो सही ना एम्बेसी से बाहर, तो जब वो निकलेगा भी तो उसको अपने देश में ही माना जाएगा, तो इसलिए उसको अरेस्ट वरेस्ट नहीं कर सकते, जैसे आप दूसरे देश में जाके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते ना। अभी इंडिया की पुलिस पाकिस्तान में जाके थोड़ी ना अरेस्ट कर सकती है किसी को, ऐसे ही अगर वो अपने देश में माना गया है, मतलब इन थ्योरी अगर उसको मान रहे हैं कि वो अपने ही देश में है, तो उस देश में भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते उसको, समझ रहे हो, थोड़ा ट्रिकी सा है लेकिन आप समझ गए होंगे। सेकंड थ्योरी है रिप्रेजेंटेशनल थ्योरी। ये थ्योरी एकदम सिंपल है कि हेड ऑफ स्टेट को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी किसी देश में जाएंगे तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेगी क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, तो उसी लॉजिक से हर रिप्रेजेंटेटिव को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तीसरी थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनका काम बहुत हार्ड होता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अड़ंगे आते हैं, बहुत दिक्कत आती है, सामने वाली कंट्री कोऑपरेट नहीं करती, तो जो उनकी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होती रहे, वो अपना काम ढंग से कर पाएँ, सिर्फ उसके लिए फंक्शनल थ्योरी बोलती है कि सिर्फ उस चीज़ के लिए ही उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे देने चाहिए। तो ये तीन थ्योरीज़ हैं जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को जस्टिफाई करती हैं। अब बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लेजिस्लेशन कौन कौन से हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह के। तो पहला लेजिस्लेशन है 1815 का, बहुत पुराना, 1815 से 1915 2015 200 साल पुराना, कांग्रेस ऑफ वियना ट्रीटी ऑन राइट्स ऑफ डिप्लोमेट। ये फर्स्ट एवर लेजिस्लेशन है रिकॉर्डेड जो इस टॉपिक पे है। फिर इसके बाद यूएन बना, यूएन ने जिम्मेदारी दी इंटरनेशनल लॉ कमीशन को कि एक नया लेजिस्लेशन बनाओ, ये बहुत पुराना हो गया है। तो इनके ड्राफ्ट के बेसिस पे बना 1961 वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, जिसके आर्टिकल 3 में अपन ने देखा था फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, और आर्टिकल 14 में देखा था क्लासिफिकेशन, देखा था ना, एम्बेसडर, काउंसिल्स, एनवॉयज, मिनिस्टर्स। तो ये दो सेक्शंस अपन ने, दो आर्टिकल सॉरी अपन ने कर लिए हैं। ये साइन हुआ था 18 अप्रैल 1961 एट वियना, ऑब्वियसली वियना कन्वेंशन है तो वियना में ही साइन होगा। ये इफेक्टिव है 24 अप्रैल 1964 से, और इसके टोटल 53 आर्टिकल्स हैं। इसके 192 मेंबर्स हैं, अक्टूबर 2018 का डेटा मिला मुझे, इसके बाद मुझे पता नहीं कोई जुड़ा हो तो, लेकिन अक्टूबर 2018 के तक इसके 192 मेंबर हैं। इसके अलावा एक और लेजिस्लेशन है जो वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस, ये सिर्फ काउंसिलर रिलेशंस के स्पेसिफिकली बात करता है, ये इस वीडियो में हम नहीं पढ़ रहे, कभी बाद में जरूरत लगी तो पढ़ेंगे, वैसे कोई पूछता नहीं ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि इन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को एक्चुअली क्या इम्यूनिटी मिलती हैं। देखो बहुत सारी इम्यूनिटी मिलती हैं, मतलब तुम एकदम जितनी फैसिलिटी दे सकते हो ना इम्यूनिटीज़ के मामले में भर भर के मिलती हैं। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रेमिसेस, इनवायलेबिलिटी मतलब जिसका वायलेशन नहीं कर सकते आप, तो मतलब जो एम्बेसीज वगैरह हैं, जो उनका प्राइवेट रेसिडेंस वगैरह है, वो सारी चीज़ों में आप कोई दूसरी कंट्री नहीं घुस पाएगी, वो एकदम वायलेशन फ्री है, आप नहीं घुस सकते, वारंट के साथ नहीं घुस सकते, कैसे नहीं घुस सकते, आपका कोई नहीं है जुरिस्डिक्शन।
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो ये पर्सन्स हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगा कंट्री में, हर जगह इनको रोका नहीं जाएगा कहीं जाने से। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, ये अपने होम कंट्री में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो इनको पूरी आज़ादी दे दी जाएगी। वायरलेस कनेक्शन अगर ये लगाना चाह रहे हैं कोई, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बाकी ये कर सकते हैं। कोई कुरियर एजेंट रख सकते हैं जिससे इन्फो जाएगी, वो इन्फो सीक्रेसी में भी जाने का इनका हक है। इसलिए आपने देखा होगा ना, डिप्लोमेटिक जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमैट्स होते हैं जो, उनके बैग चेक नहीं कर सकते आप, ठीक है। इंक्लूड्स डिप्लोमेटिक सीक्रेसी विच प्रोहिबिट्स ओपनिंग और डिटेनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक बैग्स। लेकिन ये डिप्लोमेटिक बैग्स पर अलग से टैग होना चाहिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ईजी होना चाहिए इनको। तो इनके बैग्स भी नहीं खोल सकते हो आप, पुलिस इनके बैग्स भी नहीं खोल सकती एयरपोर्ट पर, और रख भी नहीं सकती बैग खोले बिना, मतलब पूरी फुल इम्यूनिटी। आर्टिकल, ये आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो सारे प्रोविजन है उनके आगे, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ लेना आर्टिकल्स में जाके। फिर इनवाइलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट, मतलब जो आदमी है, प्रेमिसेस वगैरह मूवमेंट वगैरह सब ठीक है, जो आदमी है ना उसकी भी पूरी इनवाइलेबिलिटी की प्रिंसिपल सारे अप्लाई होंगे, ठीक है। मतलब उसको आप वायलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, उसका अरेस्ट नहीं हो सकता, उसका डिटेंशन नहीं हो सकता, उसकी फ्रीडम और डिग्निटी पर अटैक नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 29, इनवाइलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट रेसिडेंस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। मान लो वो जिस घर में रह रहा है एम्बेसी के अलावा, जिस घर में रह रहा है डिप्लोमेटिक एजेंट, उसमें भी नहीं जा सकते आप। इनवाइलेबिलिटी फ्रॉम क्रिमिनल, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन। ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत हैवी चीज़ है ये। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो आपको पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उस आदमी ने ले रखी है नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है, जिस स्टेट ने भेजा है, सेंडिंग स्टेट है जो, उसके बिहाफ पे जो प्रॉपर्टी ले रखी है उससे रिलेटेड कोई एक्शन हुआ, मान लो लीगल कुछ कार्रवाई हुई, तो उसमें हो सकता है, उसमें जुरिस्डिक्शन उस प्रॉपर्टी पे आएगा। फिर एन एक्शन रिलेटिंग टू सक्सेशन इन विच द डिप्लोमेटिक एजेंट इज इन्वॉल्व्ड एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, हायर लेगेटी एज अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, प्राइवेट पर्सन की कैपेसिटी में इनमें से कहीं वो इन्वॉल्व्ड है तो वहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी इम्यूनिटी नहीं होगी प्रॉपर्टी वगैरह और उन सब चीज़ों की ज्यूरिसडिक्शन से। एन एक्शन रिलेटिंग टू एनी प्रोफेशनल और कमर्शियल एक्टिविटी एक्सरसाइज बाय द डिप्लोमेटिक एजेंट इन द रिसीविंग स्टेट आउटसाइड हिज ऑफिशियल फंक्शंस। तो मतलब इतना फुलफिल भी नहीं दिया है, कुछ चीज़ें छोड़ी हैं बाहर। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, टैक्सेस नहीं देगा वो, लेकिन अब देखो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उसको देने पड़ेंगे। अब जैसे आप कोकोला की बॉटल खरीदते हो, 35 रुपये की बॉटल आती है, ठीक है, अब वो 35 रुपये में इनडायरेक्ट टैक्सेस इनबिल्ट होते हैं। अब आप ऐसे थोड़ा बोलोगे कि दुकान पे जाके मैं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दूंगा, मैं 26 रुपये 27 पैसे में ही लूंगा इसको, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो इनडायरेक्ट लगता है वो सब तो लगेगा, जो नॉर्मल टैक्सेस होते हैं जो अलग से देने पड़ते हैं उससे एग्जेम्पशन है। फिर जो फैमिली मेंबर और स्टाफ वगैरह है ना, उनको भी, स्टाफ को उनकी कैपेसिटी में एज अ स्टाफ और फैमिली मेंबर्स को डिप्लोमेटिक एजेंट जितनी ही इम्यूनिटी मिलती है, आर्टिकल 37 में लिखा है। एक कंडीशन है मगर स्टाफ के लिए, कि जो स्टाफ आपने हायर किया, मतलब आपने जो आदमी हायर कर रखे हैं काम के लिए अपने एम्बेसी वगैरह में, वो उसी देश के नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, जैसे इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कुछ लोग हायर कर रखे हैं, तो वो इंडिया के परमानेंट रेसिडेंट या इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए, तभी उनको मिलेगी वाली इम्यूनिटी वाली चीज़, वरना नहीं मिलेगी। फिर जो सेम इम्यूनिटी जो इसको मिल रही है ना, वो थर्ड कंट्री में मिलेगी। थर्ड कंट्री मतलब कैसे, ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ये सेंडिंग स्टेट है और ये रिसीविंग स्टेट है। अब ये क्या अपने इस कंट्री में जाते हुए आते हुए कैसे भी एक सी कंट्री है, थर्ड कंट्री, उसके थ्रू पास कर रहा है, तो जो भी उसके थ्रू पास कर रहा है और सी कंट्री ने उसको वीज़ा दे रखा है, तो उस कंट्री को भी इसके सारे राइट्स एक्नॉलेज करने पड़ेंगे, थर्ड कंट्री को भी एक्नॉलेज करने पड़ेंगे सारे राइट्स, आर्टिकल 40 में दे रखा है। अब मान लो कोई फ़ायदा उठाए, इतने सारे राइट्स दे दिए, कोई फ़ायदा उठाए, कोई डिप्लोमेटिक एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी, एम्बेसडर वगैरह, काउंसिल वगैरह, वो ऐसे मस्त नाच रहा है रोड पे, धक्का वक्का दे रहा है लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, पीस बिगाड़ रहा है उनके देश का आके, तो क्या करें, उसको करने देवें, क्योंकि अरेस्ट तो कर नहीं सकते, डिटेन कर नहीं सकते, तो करने थोड़ी ना देंगे। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रोविजन है पर्सोना नॉन ग्राटा का, आर्टिकल 9 में दिया हुआ है। इस प्रोविजन के हिसाब से जो फॉरेन पर्सन है ना, जो उस कंट्री में है, उसको वो कंट्री उस पर्सन को प्रोहिबिट कर सकती है और डिक्लेयर कर सकती है कि पर्सोना नॉन ग्राटा है, कि हम भाई इसको हम नहीं लेना चाहते और इसको वापस लो आप। वो दूसरी कंट्री को बोलेगी कि या तो उस पर्सन को रिकॉल करो या उसकी अथॉरिटी एज अ रिप्रेजेंटेटिव टर्मिनेट करो, ताकि उसको हमें प्रिविलेजेस देना बंद करें और उसको अरेस्ट करें जाके। अगर सेंडिंग स्टेट ने ऑब्लाइज नहीं किया तो रिसीविंग स्टेट उसको एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर करना बंद कर देगी। पहले वो मांगेगी, पहले वो सामने वाली कंट्री को बोलेगी कि आप उसकी टर्मिनेट करो अथॉरिटी या उसको बुला लो अपने देश में। अगर नहीं करा कंट्री ने तो उसकी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी खुद ही छीन लेगी रिसीविंग कंट्री। रिवोकिंग इम्यूनिटी आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के अंडर में पर्सोना नॉन ग्राटा के बाद
रिवोक की जाती है उसकी अथॉरिटी एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। तो गाइज ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस कंप्लीट, और ये हमारा हो गया वीडियो भी कंप्लीट। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ में बाकी वीडियो देखने तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, और लाइक तो कर देना अगर अच्छा लगा तो। बहुत एफर्ट लगा के बनाया है ये वीडियो, लाइक अगर नहीं कर रहे हो अच्छा लगने के बाद तो गलत आदमी हो आप। चलो बाय बाय।